दोस्तों क्या आप लोगों को रेसिंग गेम्स पसंद है? अगर आप लोगों को रेसिंग गेम्स पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि टॉप 10 रियलिस्टिक रेसिंग गेम्स लेकर हाजिर हूँ, जो कि आप लोग को अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को जितने भी रेसिंग गेम्स बताऊंगा सारे के सारे गेम्स भाई आप लोगों को फोर्जा होराइज़न का फील देने वाले हैं। इन सारे रेसिंग गेम्स में आप लोगों को कमाल की ग्राफिक्स मिल जाएगी, एक ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा। कुछ गेम्स मैं आप लोगों को ऑनलाइन बताऊंगा, कुछ गेम्स मैं आप लोगों को ऑफलाइन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोग रेसिंग फैन हो, इनमें से कोई भी गेम अगर आप लोगों को पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इन सभी गेम्स में से कौन सा गेम्स अच्छा लगा। तो फिर चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों 10 नंबर पे हमारा आता है रैली होरिजोन। गेम का साइज होने वाला है 254 MB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये गेम भी आप लोगों को फोर्जा होराइज़न का फील देने वाली है, क्योंकि इसकी ग्राफिक्स बिल्कुल सेम ही है और कॉन्सेप्ट भी मुझे इस गेम का बिल्कुल सेम लगा लाइक फोर्जा होराइज़न। साथ साथ गेम कंप्लीटली ओपन वर्ल्ड होने वाला है, तो आप लोग पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोर करके आप लोग रेसिंग का मजा ले सकते हो। गेम में आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ साथ यहाँ पे आप लोग अपने खुद के कास्ट को अवतार को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो भाई ओवरऑल ये रेसिंग गेम आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक रेसिंग गेम होने वाला है। तो आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना। अगर आप लोग इस गेम को ट्राई करना है प्ले स्टोर में गेम को सर्च करना, आप लोगों को ये गेम मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे 9 नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 9 नंबर पे हमारा आता है एस रेसर। गेम का साइज होने वाला है 2.3 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये गेम हमारे प्ले स्टोर में अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग अदर वेबसाइट से गेम को एंजॉय करना पड़ेगा। गेम की ग्राफिक्स काफी रियलिस्टिक होने वाली है, यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे फ्यूचरिस्टिक कार्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी गेम फ्यूचरिस्टिक रेसिंग के ऊपर बेस्ड होने वाला है। और यहाँ पे जो कंट्रोल दिए गए ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल दिए गए हैं। इसके मुझे कंट्रोल सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे अल्टीमेट स्किल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप लोग अपने कार्स को कस्टमाइज कर सकते हो। भाई जो साउंड क्वालिटी है ना, वो भी भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और भाई जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, तो आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना। और ये गेम भाई मल्टीप्लेयर भी है, तो आप लोगों को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 8 नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 8 नंबर पे हमारा आता है कार एक्स स्ट्रीट। गेम का साइज होने वाला है 3.4 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये भी कमाल का गेम होने वाला है। मुझे ये गेम भाई पर्सनली काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इसकी जो कंट्रोल है, जो भाई यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो भी काफी तगड़ी होने वाली है। यहाँ पे भाई इन्वायरमेंट काफी ज्यादा कलरफुल है, काफी ब्यूटीफुल है, टेक्सचर्स भी गेम के काफी तगड़े दिए गए हैं। साथ ही साथ इसका जो मैप है ना, वो भाई काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप लोग यहाँ पे मिशन को कंप्लीट कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ऑब्वियसली भाई ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे गेम आप लोगों को मल्टीप्लेयर मोड में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग मल्टीप्लेयर भी गेम को खेल सकते हो। और भाई यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ना, वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इस गेम में दी गई है। और साथ ही साथ इस गेम का साइज थोड़ा ज्यादा है, तो आप लोग भाई एक अच्छे डिवाइस में इस गेम को खेलना, तभी आप लोग हाई ग्राफिक्स में गेम को एंजॉय कर पाओगे। ओवरऑल ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग भाई प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर, इन दोनों आप लोग स्टोर से जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 7 नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 7 नंबर पे हमारा आता है रेस मैक्स प्रो। गेम का साइज होने वाला है 376 MB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन भाई इस गेम का जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे नेक्स्ट लेवल लगा, तो आप लोगों को ये गेम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। इसका जो कटसीन्स है वो भी काफी तगड़े होने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को मल्टीप्लेयर मोड भी मिल जाते हैं, रेसिंग मोड भी मिलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, तो आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना। और ये गेम आप लोगों के भाई लगभग 4 GB RAM में इजिली वर्क कर जाने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे अलग अलग कार्ड्स मिलते हैं, पूरे वर्ल्ड को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग लोकेशंस मिलते हैं, अलग अलग टाउन मिलते हैं जहाँ पे आप लोग यहाँ पे रेसिंग करना रहता है। तो भाई ओवरऑल गेम काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर आप लोग एक लो MB के लिए भाई रेसिंग गेम पसंद है, तो इस गेम की तरफ आप लोग जा सकते हो। गेम आप लोग के प्ले स्टोर में के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो जाके प्ले स्टोर से गेम को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी 6 नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों 6 नंबर पे हमारा आता है होरिजन चेस 2। गेम का साइज होने वाला है 4.3 GB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये गेम हमारे एंड्रॉइड के लिए अभी फिलहाल भाई कमिंग सून है, लेकिन iOS में इस गेम को आप लोग बड़े आसानी से प्ले कर सकते हो। ये कार रेसिंग गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप लोग एक बार इसकी ग्राफिक्स देखो, थोड़ी सी कार्टूनिंग स्टाइल की भाई इसकी ग्राफिक्स लगती है, लेकिन भाई काफी तगड़ा गेम होने वाला है। यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे भाई एक्सपेंसिव आप लोग को यहाँ पे कार्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लोग कस्टमाइजेशन भी आप लोग को फुल देखने के लिए मिलता है। गेम
का जो भाई वर्ल्ड है ना वो काफी कमाल का है। तो आप लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट का कार रेसिंग गेम खेलना चाहते हो तो इस गेम की तरफ आप लोग जा सकते हो। ओवरऑल गेम में आप लोग को मल्टीप्लेयर मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं, काफी सारे आप लोग को यहाँ पे अलग अलग कार्स मिलते हैं, आप लोग यहाँ पे अपने इंजन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस गेम को आप लोग ट्राई जरूर करना और ये गेम आप लोगों को एप्पल स्टोर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है गियर क्लब स्टार्डल। गेम का साइज होने वाला है 1.2 GB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये एक ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग गेम होने वाला है जहां पे आप लोगों को ड्राइव क्लब जैसा ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाता है और आप लोगों को ग्राफिक्स भी बिल्कुल सेम ही देखने के लिए मिलता है। भले ही हम लोग मोबाइल में इस गेम को प्ले कर रहे हैं, मुझे इसका ग्राफिक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा ये रेसिंग गेम का कि यहाँ पे आप लोगों को काफी बड़ा मैप मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोर करके आप लोग यहाँ पे अपना रेसिंग का मजा ले सकते हो। और भाई मुझे सबसे बेस्ट और एक चीज इस गेम का लगा कि भाई गेम कंप्लीटली ऑफलाइन है तो आप लोगों को ऑनलाइन खेलने का भी कोई भी परेशानी नहीं है और यहाँ पे आप लोग अलग अलग ढेर सारे कार्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस गेम को आप लोग ट्राई जरूर करना। ये गेम आप लोगों के कम से कम 4 GB रैम में इजीली वर्क कर जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लो एंड डिवाइस में भी आप लोग इस गेम को इजीली प्ले कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी फोर्थ नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों फोर्थ नंबर पे हमारा आता है डर्बी किंग। गेम का साइज होने वाला है 300 MB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये कंप्लीटली रेसिंग गेम तो नहीं होने वाला है, ओपन वर्ल्ड गेम नहीं है, लेकिन भाई ये गेम में आप लोग ना क्रश कर सकते हो। यानी भाई इस गेम का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि यहाँ पे आप लोग जो दूसरे ओपोनेंट्स के कार है, यानी गेम तो ऑब्वियसली मल्टीप्लेयर होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग दूसरे ओपोनेंट्स के कार को यहाँ पे आप लोगों को क्रश करना रहता है टक्कर मार के, जो कि काफी फनी एंड काफी भाई मस्त कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इस गेम को भी आप लोग ट्राई जरूर करना। इसकी भी मुझे ग्राफिक्स काफी अच्छी लगी, भाई आप लोग अपने 3 GB रैम में भी इजीली वर्क कर सकते हो इस गेम को। और यहाँ पे भी आप लोगों को ढेर सारे कार्ड्स मिलते हैं, मिशंस मिलते हैं, जिनको आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करना रहता है। और ये गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप लोग प्ले स्टोर से आके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारा आता है ड्राइव जोन। ऑनलाइन गेम का साइज होने वाला है 3.4 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये एक ओपन वर्ल्ड सिमुलेटर रेसिंग गेम होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली सिमुलेटर के ऊपर गेम बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीटली ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट मिलते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का एक्सप्लोर करके यहाँ पे आप लोगों को ड्राइव करना रहता है अपने कार को, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे मोड के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को स्टंट मोड भी मिलते हैं। लाइक आप लोगों को पता होगा कि GTA में स्टंट मोड है, सेम उसी तरीके का यहाँ पे स्टंट मोड भी मिलता है। तो गेम ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा है, इसका जो कार्स का जो साउंड है ना भाई मुझे नेक्स्ट लेवल लगा। तो आप लोग इस गेम को जरूर ट्राई करना, लेकिन ये गेम प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को टैप टैप स्टोर से इस गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये गेम कैसा लगा। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी सेकंड नंबर काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों सेकेंड नंबर पे हमारा आता है ब्रिक फ्रेस्ट मोबाइल। गेम का साइज होने वाला है 5 GB और गेम आप लोगों को ऑफलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। भले ही फ्रेंड्स इस गेम का साइज काफी ज्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये गेम PC के लिए भी अवेलेबल है। तो फाइनली ये गेम हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी आ चुका है, लेकिन अब इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा डिवाइस चाहिए, तभी आप लोग इस गेम को प्ले कर पाओगे। यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे मोड के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को क्रश मोड भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे गेम कंप्लीटली भाई ओपन वर्ल्ड तो मैं नहीं कहूंगा, अगर आप लोग रेसिंग ट्रैक्स में यहाँ पे गेम को खेलोगे तो आप लोगों को काफी बढ़िया भी एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्रश मोड में भी गेम को एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ भाई गेम मल्टीप्लेयर है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी इस गेम में आप लोग क्रश मोड जरूर खेलो। और गेम का आप लोग एक बार ग्राफिक्स देखो भाई, जो कैमरा एंगल है वो भी नेक्स्ट लेवल है, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर जिन लोगों को ये गेम ट्राई करना है जरूर करना, लेकिन ये गेम भाई प्ले स्टोर में पेड है, तो आप लोग अदर वेबसाइट गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो फिर चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी नंबर वन काउंटडाउन की तरफ। दोस्तों नंबर वन पे हमारा आता है नीड फॉर स्पीड मोबाइल। गेम का साइज होने वाला है 6.27 GB और गेम आप लोगों को ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होगा कि नीड फॉर स्पीड का जब भी टाइटल आता है ना, तो हमारे दिमाग में भाई काफी कमाल का भाई गूज़बम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि नीड फॉर स्पीड के जितने भी भाई रेसिंग गेम्स है भाई काफी तगड़े होने वाले हैं। और ये गेम भाई फाइनली हमारे मोबाइल डिवाइसेस के लिए आ गया है, जिसकी ग्राफिक्स भाई नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड करता हूँ कि इस गेम को आप लोग ट्राई जरूर करना, क्योंकि यहाँ का जो वर्ल्ड है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो काफी ऑसम मिलता है। पूरे वर्ल्ड को आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करके जितना मर्जी उतना चाहो आप लोग स्पीड में यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो, जो कि मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा। और साथ ही साथ गेम में मल्टीप्लेयर मोड है, तो आप लोग भाई अपने फ्रेंड के साथ भी यहाँ पे रेसिंग कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये गेम ट्राई करना है, मुझे फेसबुक में मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को इस गेम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर चलिए दोस्तों ये थे हमारी टॉप 10 रियलिस्टिक रेसिंग गेम्स की लिस्ट, जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि हमारे नेक्स्ट टॉप 10 सीरीज की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।